आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब अपने वीडियो पे आते हैं। पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी बहुत सारे एस्ट्रॉइड से टकराई है, अन्य ग्रहों से क्रैश भी हुई है और कई बार बर्फ में जमी हुई है। हमारी पृथ्वी सभी प्रकार के जीवन रूपों द्वारा शासित हुई है। कभी कभी यह आश्चर्य होता है कि हमारा नीला होमवर्ल्ड आखिर बचा कैसे है। लेकिन अगर हम अपने ग्रह के इतिहास का तूफानी दौरा करना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करना होगा। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल तारों के बीच के गैस और धूल के घने बादल से बाहर निकलना शुरू हुआ। यह बादल पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया, जो तब तक गर्म और गर्म होता गया जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित नहीं हो गया। और ऐसे ही हमारे सूर्य का जन्म हुआ और तब बेबी पृथ्वी भी अपने रास्ते पर थी। हमारे तारे के जन्म के बाद घूमती हुई डिस्क के सबसे दूर के सभी पदार्थ एक साथ एकत्रित होने लगे। इन सभी पदार्थ से हमारे सौरमंडल में ग्रह और चंद्रमा पनपने लगे। जैसे जैसे उनमें अधिक पदार्थ जमा होते गए, वे बड़े और अधिक गोलाकार होते गए। सौरमंडल के ठंडे क्षेत्रों में अधिकतर पदार्थ बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने थे। सूर्य के करीब सभी चट्टानी पदार्थों ने मार्स और पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रहों का निर्माण किया। तब हमारी युवा पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से सक्रिय थी, जिसमें ज्वालामुखी फूट रहे थे, जिसमें हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकली। इन गैसों ने हमारे ग्रह पर सबसे पहले वायुमंडल का निर्माण किया। शुरुआत में पृथ्वी पर लगातार बड़े एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी होती रही और उसके बाद पृथ्वी को और भी अधिक हिंसक टक्कर का अनुभव हुआ, जो था थिया। मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह सीधे हमारी युवा पृथ्वी से आ टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर पदार्थ के टुकड़े फेंक दिए और फिर ग्रेविटी ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे अब हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। इस गर्म प्रारंभिक पृथ्वी पर महासागर नहीं थे, सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3.8 अरब साल पहले हमारा ग्रह इन सभी गैस से इतना ठंडा हो गया कि वह पिघल कर तरल बन गया। तब सबसे पहले महासागर ने इस युवा पृथ्वी को कवर किया और इसे जल जगत से बदल दिया। जीवित चीजों के निर्माण के लिए H2O एक आवश्यक भाग है, तो उस पानी के साथ लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। जीवन के ये प्रारंभिक रूप सूक्ष्म जीव थे, लेकिन उसके लगभग 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन हमारी पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जल जगत के रूप में नहीं रही। जल्द ही सबसे पहला महाद्वीप इस प्राचीन महासागर से उभरा। वैज्ञानिक इन्हें क्रेटेन कहते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक भूमि समुद्र से ऊपर उठी, ग्रह पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट प्रकट हुआ, जिसका नाम था वालबरा। वालबरा वास्तव में एक महाद्वीप नहीं था, यह काफी छोटा था। वैज्ञानिकों की अगर माने तो यह ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा था। लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर हमारे ग्रह का पहला प्रकाश संश्लेषण बन गया, मतलब पहला फोटोसिंथेसाइजर बना। फाइनली पृथ्वी के वातावरण को और अधिक साफ बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऑक्सीजन उत्पादक थे और बाकी तो इतिहास है ही दोस्तों। अरे मजाक कर रहा हूँ, हमें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस नई ऑक्सीजन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत कम हो गया और इससे हमारा ग्रह बर्फीला और हद से ज्यादा ठंडा हो गया। जैसे ही पृथ्वी ने अपना पहला हिमयुग देखा, हमारी युवा दुनिया का अधिकांश हिस्सा जम गया था। अब जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, महाद्वीप भी घूम रहे थे। वे टूट गए और अगले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया में पुनः एकत्रित हो गए। रोडिनिया एक वास्तविक महाद्वीप था। यह ग्रह को कवर करने वाला अब तक का सबसे बड़ा महाद्वीप रहा होगा। लेकिन फिर कुछ हुआ और रोडिनिया टूट गया और एक नया महाद्वीप इकट्ठा हो गया। इसे पेननोटिया कहा जाता था। फिर लगभग 540 से 485 मिलियन वर्ष पहले नए जीवन का विस्फोट हुआ। इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया और इसी अवधि के दौरान
जो जानवर विकसित हुए उनके शरीर के अंग सीपियां मतलब शेल्स और स्पाइन मतलब रीढ़ जैसे कठोर थे। इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे एलियन जैसे दिखने वाले ट्रिलोबाइट्स। लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले जलवायु अचानक बदल गई और समुद्र का तापमान भी बदल गया। पृथ्वी ने अपनी पहली सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी और ग्रह पर चारों ओर फैल रहा अधिकांश जीवन लुप्त हो गया। इनमें से कई स्पीसीज ने आज पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम की नींव रखी थी। लगभग 420 से 350 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की मिट्टी से पहले पेड़ निकले और पहले जानवरों ने भी जमीन पे आने का रास्ता बनाया। 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी हमारे अंतिम विशाल महाद्वीप पेंजिया द्वारा कवर किया गया था। अफसोस की बात यह है कि इस अवधि के दौरान पृथ्वी ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी, जिसे हम सभी लोग द ग्रेट डाइंग के नाम से जानते हैं। भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी पर लगभग 90% सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया, लेकिन इस विलुप्ति ने जानवरों की अगली लहर के विकास का मार्ग बनाने में मदद की। 240 से 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर प्रकट हुए और अगले 150 मिलियन वर्षों तक वे भूमि पर शासन करते रहे। यदि आप वहां होते तो आपने विशाल सौरोपोड अर्जेंटिनोसोरस देखा होता, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि जानवर है। या हो सकता है कि पृथ्वी के सबसे बड़े महान शिकारियों में से एक टीरेक्स ने आपका पीछा किया होता, और क्या पता पेंजिया को टूटते और उन महाद्वीपों का निर्माण होते हुए देखते जिन्हें आज हम जानते हैं। 66 मिलियन वर्ष पहले एक एस्टेरॉयड हमारे ग्रह से टकराया था, ठीक वही जिस जगह को आज हम मेक्सिको के नाम से जानते हैं, और इसने वातावरण में इतना मलबा जमा कर दिया कि इसने सूर्य के प्रकाश को गायब ही कर दिया। इससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुए, जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। उभरते जानवरों की अगली लहर में मैमल्स हमें ज्यादा देखने को मिले। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले मनुष्यों ने इस दुनिया में चलना शुरू किया। इस प्रजाति को सेलेंथ्रोपस कहा जाता था। हालांकि वे तब भी चारों पैरों पर चलते थे, लेकिन 4 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक मानव ने सीधा चलना शुरू किया और लगभग 10 लाख साल बाद उन्होंने अपना टूल विकसित किया, जिसका उपयोग वे चीजों को तोड़ने के लिए करते थे। लगभग 8 लाख वर्ष पहले इनको आग के बारे में पता लगा और इन प्रारंभिक मनुष्यों ने आग पर काबू पाने की खोज की, और अब वे अपना भोजन पका सकते हैं और खुद को गर्मी प्रदान कर सकते हैं। उनके मस्तिष्क का विकास अब पहले से अधिक तेजी से जारी रहा। इन मनुष्यों ने एक दूसरे और आसपास की दुनिया के साथ बिल्कुल नए तरीकों से बातचीत करना सीखा। फिर 40,000 से 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा अन्य सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई। 10,000 साल पहले पृथ्वी ने अपने शुरुआती किसानों को देखा। पहले से खाना बदोश रहे इन मनुष्यों ने ग्रह पर भटकना बंद कर दिया और अंततः अपनी जड़ें जमा ली। लगभग 250 वर्ष पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। हम प्रमुख तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। ग्रामीण कृषि आधारित समाज अधिक शहरी हो गए। हमारी मानव जनसंख्या बढ़ती रही। 1804 तक हम 1 अरब तक पहुँच गए थे और 1927 तक हम 2 अरब तक पहुंच गए, और 1960 के दशक के बाद यह जनसंख्या तेजी से बढ़कर अब 8 अरब से अधिक हो गई है। और अब पृथ्वी पर मानव अस्तित्व और जीवन के कई अन्य रूपों के लिए एक नया खतरा है। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में तापमान और समुद्र का स्तर बढ़ा रहा है, और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी घट रही है। अगर चीजें नहीं बदली तो हम एक और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की कगार पर हो सकते हैं। तो आइए अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए एक कदम बढ़ाए। हम सब मिलके एक एक पीपल, नीम या आम का पेड़ लगाए, और अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं यह तीनों पेड़ लगाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।